हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे एवं अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ज्योमेट्री की जो थ्योरी है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे आप एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे एवं कुछ ही सेकेंड्स में इनका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमें इसमें क्या दे रखा है, एक व्रत दे रखा है। ठीक है, ये व्रत है। ठीक है, तो यहाँ से लेके मान लो कुछ एक जीवा खींच दे हम, ये जीवा, तो इसमें जो है ना दो चाप बन जाएंगे। ठीक है, एक चाप तो ये यहाँ से मान लो ये ए बी हो गया इधर से, है ना, ए बी। ठीक है, और एक चाप हो गया मान लो इसको ओ दे देते हैं नाम, तो ये ए ओ बी हो गया। ये जो इसमें बड़ा कौन सा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये कौन सा चाप हो जाएगा, ये दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटा वाला जो ए बी चाप है वो क्या हो जाएगा, ये लघु चाप हो जाएगा। तो ये जो लघु चाप है ना, ये लघु चाप जो ये लघु चाप व्रत की जो शेष परिधि है, मतलब शेष परिधि कौन सी बच गई, ये वाला तो छोड़ के जो इधर है शेष परिधि, वो मान लो कोई एंगल बनाता है जैसे ऐसे, तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा न्यून कोण होता है, मतलब न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का होता है। ठीक है, और जो लघु चाप है वो जो दीर्घ चाप है ना, जैसे दीर्घ चाप कौन सा हो गया, एक चाप ए ओ बी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला चाप है, है ना। तो ये चाप अगर शेष परिधि कौन सी हो जाएगी, अब ये वाली हो जाएगी, तो इस पर जो कोण बनाएगा ना वो मान लो वो कितना होता है, वो अधिकोण होता है। अधिकोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक का जो एंगल बनाएगा वो यहाँ पे जो एंगल बनेगा। ठीक है, और जो ये जो जीवा के अपोजिट ये जो दीर्घ चाप वाला जो वर्तखंड जो क्षेत्र बनेगा ना वो क्या होगा, ये वाला तो दीर्घ वर्तखंड हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है ना, और जो इधर बनेगा नीचे वाला जो ये लघु वर्तखंड हो जाएगा, ये जो बीच ये बन रहा है। ठीक है, जीवा के नीचे वाला। और दूसरी बात ये है कि जो ये दोनों कोण है ना, जो ये जो दोनों कोण थे, ये देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो दोनों कोण थे ना लघु चाप और दीर्घ चाप द्वारा जो बनाए गए थे, जैसे ये इधर एक एंगल बना है ना, एक ये इधर जो बना, तो ये लघु ये जो क्या बोलते हैं अधिकोण और न्यून कोण, इन दोनों का योग है ना कितना होगा, इन दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो एक क्या होगा, ये इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 है, मान लो इन दोनों का 180, इन दोनों का 100, इन दोनों का 180 है। ठीक है, इन दोनों कोणों का, तो एक चतुर्भुज के जो चारों कोणों का 360 होता है, तो 360 में से 180 चला जाएगा, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 होगा। इसलिए किसी जो व्रत के अंदर कोई चतुर्भुज बनता है और उसके आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है ना, तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो ये क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज भी होगा। नीचे वाला थ्योरी पढ़ते हैं। व्रत किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण, व्रत की मान लो कोई चाप है, जैसे ये व्रत है ना, ये व्रत है ना, अब इसका चाप यहाँ से कोई ले लेते हैं चाप, ये ए बी चाप है ना, ये ए और ये बी। ठीक है, तो ये ए बी चाप अगर व्रत किसी जो ए सी बी जो कोण बनेगा ना यहाँ से यहाँ जो बीच में जो ये कोण है ना, वो ये जो दो ओ ए सी ओ ए ये कोण और ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब वो ए ओ सी बी और ओ बी सी ओ बी ए कोण के वो बराबर होगा, मतलब इस कोण के, देखो मैं बता देता हूँ इसको अलग से, ये जो यहाँ पे एंगल है ना ये और इन दोनों का योग है ना वो इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है, व्रत के किसी व्यास द्वारा उसकी परिधि पर बनाया गया कोण सदैव समकोण होता है। हाँ, तो मान लो जैसे ये व्रत है ना, और इसका जो ये व्यास हो गया, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, ये व्यास ही इसकी व्रत की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। ठीक है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होती है। ये ए बी पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, इसको नाम। तो अब ये यहाँ पे कहीं पे भी कोई कोण बनाएगा ना, तो वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा हमेशा समकोण होगा, मतलब समकोण यानी कि 90 डिग्री का। जो व्रत का व्यास है ना, उसकी शेष परिधि पर जो कोण बनाता है ना कहीं पे भी परिधि के ऊपर, तो 90 डिग्री का सदैव हमेशा, मतलब कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है, व्रत के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पे बनाया गया कोण उस चाप का डिग्री माप कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई व्रत है ना, इस व्रत का जो कोई चाप है, ये चाप मान लो ए बी ले लेते हैं, है ना, ये ए ये बी, तो इस
इसके केंद्र पे जो कोण बनाएगा ना, है ना, ये केंद्र पे कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, मान लो थीटा डिग्री का बना रहा है, तो ये थीटा है ना, इसका क्या होगा, इसका ये डिग्री माप होगा, इस चाप ए बी का डिग्री माप क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोण थीटा जो है। नेक्स्ट हमारे पास में इसकी थ्योरी है, लघु चाप द्वारा डिग्री माप से देव 180 डिग्री से कम, मान लो कोई लघु चाप है तो उसका जो डिग्री माप बनेगा ना, है ना, लघु चाप मतलब कि जैसे ये एक ये वृत्त है, ठीक है, और ये ए बी एक लघु चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक, जो ये ए से ये बी तक एक लघु चाप हो गया, तो लघु चाप जो सेंटर पे जो कोण बनाएगा ना वो क्या होगा, उसका जो डिग्री माप कितना होगा, वो उसका डिग्री माप सदैव कितना होगा, 180 डिग्री से कम ही होगा। लेकिन जो दीर्घ चाप है ना, दीर्घ चाप जैसे ये मान लो ये चाप है दूसरा अपोजिट साइड वाला, ये वाला चाप, ये बड़ा वाला चाप, तो इसके जो इस पर जो यहाँ पर बनाएगा ना कोण, देखो ये भी ऐसे बनाएगा, तो अभी इसका जो ये कोण बनेगा ना वो सदैव क्या होगा, दीर्घ चाप का कोण जो है ना डिग्री माप कितना होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी है अर्ध जो है अर्धवर्त का डिग्री माप 180 डिग्री होता है, है ना, जो और मान लो जैसे कि इसका ये डबल कर दिया हम, जो त्रिज्या का डबल मतलब ये कि इसका व्यास होता है, ठीक है, तो ये एक आधा वर्त भी हो गया, मतलब ठीक है ये दो भागों में बांटेंगे तो इसको ये आधा सेम, इसका क्षेत्र भी बराबर होगा, इसका भी बराबर होगा, तो इसका जो डिग्री माप अगर सेंटर में जो कोण बनता है ना, जैसे सेंटर तो इसका इसके बीच वाला हिस्सा ही होगा, ठीक है, सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, मतलब ये व्यास का जैसे यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, इसके बीच में है एकदम, तो इसका जो कोण बनेगा ना वो कितने डिग्री का होता है, हमेशा इसका जो डिग्री माप सेंटर पे बन रहा है जो अर्धवर्त का, वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। और वर्त की सबसे बड़ी जो जीवा मैं आपको बताया हूँ उसकी व्यास होती है, जैसे इसके व्यास से बड़ी इसकी कोई जीवा नहीं हो सकती है, ठीक है। वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई समान होती है तथा इसका विलोम भी सत्य है। वर्त के केंद्र से मान लो जो समान दूरी पर कोई दो जीवाएँ हैं, ठीक है, तो हम मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये वर्त का केंद्र है ये, ठीक है, ये वर्त का केंद्र है, तो यहाँ से मान लो कोई एक सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ये जीवा है, है ना, और मान लो फिर इधर भी कोई एक सेंटीमीटर की दूरी पे कोई जीवा होगी ना, तो उन दोनों की जो लंबाई है ना सेंटर से, मतलब अगर समान दूरी पे कोई जीवाएँ हैं, मान लो इधर भी एक सेंटीमीटर है ये जो दूरी है, ये जैसे ये यहाँ से एक सेंटीमीटर है ये, है ना, जीवा तक जा रही हो, और ये भी एक सेंटीमीटर है, तो ये जो दोनों जीवाएं बनी है ना, ये जीवाएं इन दोनों का लंबाई क्या होगा, समान होगा। और अगर बाय द वे ऐसा दिया जाता है इसका विलोम भी, मतलब कि बोलेगा कि दोनों जीवाओं की लंबाई समान है, वर्त के दो वर्त के अंदर कोई दो जीवाएं बनी हुई उनकी दोनों की लंबाई समान है, है ना, तो वो हम समझेंगे कि क्या है इसकी जो वर्त के जो केंद्र से जो दूरी है ना इन जीवाओं की, वो दोनों की क्या होगी, आपस में समान होगी। अभी नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है, वर्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, है ना, वर्त के केंद्र से मान लो उसकी जीवा पर कोई लंब खींच दिया हम, तो उस जीवा को क्या करेगा, दो भागों में, समान दो भागों में बांटेगा, मान लो ये वृत्त है, है ना, और इसकी जीवा ये ले लिया हम, ठीक है, इसकी जीवा, है ना, तो अब इसका जो सेंटर है ना ये है, तो इसके सेंटर से हम इस पर लंब डालते हैं, ये लंब, है ना, ये लंब डाल दिए, तो इसको जो ये जो लंब जो डाला है ना, इसको दो समान भागों में बांटता है, तो मान लो जैसे इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं ये बी और ये सी, तो ये ए बी की जो लंबाई होगी ना वो बी सी के बराबर होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन में इसमें थ्योरी में बताया गया है। और नेक्स्ट हमारे पास में है, यदि जीवाएं ए बी तथा सी डी परस्पर पी बिंदु पर आंतरिक रूप से मिलती हैं, है ना, तो जैसे मैं बता देता हूँ, दो जीवाएं हैं कोई व्रत की, जैसे ये व्रत है, ये एक व्रत है, ठीक है, इसमें अब कोई दो जीवाएं आंतरिक रूप से एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को काट रही है, मतलब आंतरिक रूप से, है ना, आंतरिक रूप से परस्पर मतलब पी बिंदु पे मिल रही है, जो बिंदु है ना जहाँ पे मिल रही है ये पी बिंदु है, है ना, और ये जीवाओं को नाम दे देते हैं, जैसे ये ए और ये बी, है ना, और ये सी और ये डी, ठीक है, तो ये इसका जो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो है ना पी ए, मतलब ये पी ए ये दूरी है ना, ये पी ए और इंटू पी बी, इसको आपस में गुणा कर देंगे ना, तो पी ए इंटू पी बी, दोबारा से बता देता हूँ, ये हो जाएगा मतलब पी ए
इंटू पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये थ्योरी है। नेक्स्ट हमारे पास है, मान लो जैसे इसमें बता रहा है कि जैसे ये पी ए बी एक पी ए बी तथा पी सी डी वृत्त की दो छेदक रेखाएं हैं, मतलब ये बाहर मिल रही है छेदक रेखाएं इसकी, ये वृत्त है और इसकी दो छेदक रेखाएं ये है ना, ये किसी बिंदु पी पर मिल रही है बाहर। ठीक है, ये पी बिंदु है, पी बिंदु है, और इनको नाम दे देते हैं इन जीवाओं को, मतलब ये दो छेदक रेखाएं है ना, ये ए बी और ये सी डी। ठीक है, तो इसको हम आपस में इसका जो संबंध बनेगा ना वो क्या बनेगा, इसमें भी बन जाएगा कि यहाँ से जो पी ए इंटू पी बी, पी ए मतलब पी ए यहाँ से यहाँ तक की, और पी बी मतलब यहाँ से कंप्लीट दूरी यहाँ तक की, पी बी तक की, तो इसका बन जाएगा क्या बन जाएगा, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, पी सी इंटू पी डी, पी डी ये थ्योरी है इसका, ये बराबर होगा, पी ए, पी ए को गुणा कर देंगे पी बी से, तो पी सी इंटू पी डी हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास में, यदि पी ए बी तथा पी टी वृत्त की क्रम से छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, मान लो एक छेदक रेखा उनमें से इस वृत्त की और एक क्या है स्पर्श रेखा, तो जैसे ये मान लेते हैं, तो ये वाली तो एक छेदक रेखा हो गई और ये वाली क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं टी, इसको दे देते हैं पी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो इसका जो आपस में संबंध होगा ना वो क्या होगा, तो ये पी ए मतलब यहाँ से यहाँ तक का और पी बी ये कम्प्लीट यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा पी ए गुणा पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये पी टी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो, तो पी टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये पी टी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो थ्योरी है अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जरूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में बताएं, और ताकि मैं आगे भी आपको इससे संबंधित वीडियो पढ़ा सकूँ।